अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान दोस्तों, की हाल है थोड़े? उम्मीद करना कि तुम ठीक हो। सो अलहमदुल्ला, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हाँ। अच्छा जी, आज दी मेरी वीडियो है कि आया सितंबर का महीना चल रहा, सितंबर के महीने के अंदर जी कपावान वो बारे की ख्याल है, यानी कि कपावान के कड़ा स्प्रे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अजक आके सफेद मक्खी और गुलाबी का जड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा अटैक होंगे, तो ये बारे के स्प्रे हैं दसन वाले बहुत कुछ दसते हैं। ठीक है, जिस बंद की वीडियो भी तुम उठाई सो तो वह तो बहुत कुछ दसते हैं, तो इस वास्ते मैं वीडियो बनाईदा पे, वीडियो तुम मुकम्मल वेखनी डिटेल न सारी, तो इंशाल्लाह मैं थोड़े न सारी गल इस वीडियो शेयर करना जी। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने तो पहले हमेशा की तरह जितने भी मेरे नवे ब्रास मेरे चैनल पर मौजूद ने, मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो, नाल ही बैल का बटन है उससे क्लिक करो ताकि हर आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँचे और तुसी मेरी हर जरिए मालूमती वीडियो जी है वो वेख के तुसी अपनी फसलों की पैदावार जिस तरीके मैं ला रहा उस तरीके आदि फसलों की पैदावार ला सकते हैं। तो हूँ आप चलते हैं अपनी वीडियो के पास। अज का मौजू मैं ये इस वीडियो के अंदर है कि अपना सितंबर के महीने के कपाह जड़ा है जहर केड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गुलाबी का अटैक होंगे। इस वास्ते मैं थोड़े तो वीडियो के शुरू च भी अर्ज की कि देखो, कोई भी तुसी अगर यूट्यूब के अंदर तुसी कोई भी वीडियो देखो, हर बंदे का एक अपना तजर्बा होंगे, हर बंदा अपने तजर्बे की बिना पर गल करता है, लेकिन मैं जी मैं गल कर सा मैं अपने ही तजर्बे की बिना पर गल कर सा, मैं किसी की वीडियो वेख के वो तरीकाकार थोड़े न हरगेज़ ही नहीं शेयर करेंदा, क्योंकि मैं खुद आप तुम मैं पहले भी दसा कि मेरा आप का जिम्मेदार है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो इस वास्ते मैं गल भी हुई थोड़े नाल करनी कि जेड़ा मैं आप खुद अजमा रहा या जेड़ा मैं खुद कर रहा। देखो जी, सितंबर के महीने के कपाह ते बिल्कुल सफेद मक्खी और इहदा अटैक हुंदा है गुलाबी सूडी का, तो गुलाबी सूडी के वास्ते बेहतरीन जेड़ा हल है मेरी नज़रों के है ट्राईएज़ोफास, लेकिन अगर निरी ट्राईएज़ोफास कर सो तो थोड़ी कपाह जी उतना ही रुक जासी, पत्ते उद्दे जड़े ना वो बिल्कुल अपना रुक जासी, कपाह थोड़ी रुक सी पत्ते भी खरवे जे हो जाते। इस वास्ते तुसी अगर ट्राईएज़ोफास जमा डेल्टा मैथरीन का स्प्रे कर लेंगे ने, एक स्प्रे करते हैं फिर अगला रिपीट स्प्रे कर लेंगे ने, थोड़ी कपाह भी नहीं रुकती और जी है अपना गुलाबी वह भी कंट्रोल हो सी, क्योंकि अजक फुल जड़ा है बहुत जल्दी बन के बहुत जल्दी अगर गोकड़ा बनना होंगे और दिन भी कोई नहीं उतुरा गया, दिन भी बिल्कुल मुके खलोते हैं, तो बजाय दुआदे की स्प्रे कर, क्योंकि देखो बाहर कंपनी दियाँ होर काफ़ी सारे सजेंटा है जो मतलब सारिया कंपनियों दहर जो मौजूद ने, कोई कुछ दसता है कोई कुछ दसता है, लेकिन मैं तुम्हें तो बेहतरीन और छोटा जहा नुस्खा यही है कि अगर तुम गुलाबी कंट्रोल करना तो फिर तुम ट्राईएज़ोफास जमा डेल्टा मैथरीन सैपर मैथरीन ट्राई के नाल मिक्सचर अगर दो स्प्रे वे कर देंगे ने, फिर एंड वाला स्प्रे ट्राईएज़ोफास तक करके बिल्कुल ख़त्म कर दो, ताकि वो अपना फिर अगर थोड़ी टाइम नाल कणक की भी बिजाई हो सके। उस तो अटके अगर सफेद मक्खी का बेहतरीन हल है अंडे बच्चे वास्ते मैं पेरीप्रोक्सी या बैप्रोफन, बैप्रो जड़ा है पाउडर है तो पेरीप्रोक्सी जी लिक्विड है वो तुम इस्तेमाल कर देने बच्चे अंडे वास्ते, और वैसे जड़ा वो डायाफेंथोरान या सीटा अजकल भी किया जाए, अगर एक दो स्प्रे सीटा के नाल कर लीवे तो इतना कोई फर्क नहीं पाता, क्योंकि सफेद मक्खी अजकल नमी है रात में त्रेल होंगी, वैसे भी स्प्रे किया जाए तो अपना जहर का भी एक कंट्रोल है, क्योंकि हूँ मौसम वो अगला नहीं है, रात को नमी होंगी काफ़ी तो हूँ बंदा कंट्रोल कर सकता। बाकी अगर तुसी कोई होर वीडियो वेख सो किसी भी बंदे दी, तो हर बंदे दा एक अपना मशवरा अपना जहन है, हर बंदा एक अपनी चैनल ते मुख्तलिफ किस्म दियाँ अपना दवाइयां जहर जिहड़ियां वो दसदा, लेकिन मैं वो तुहाडे नाल गल कीती जिहड़ी मैं खुद अजमाई है और मैं खुद करदा पिया, मेरी बैक साइड ते तुहानूं कपाह दी फसल भी माशाल्लाह नज़र आउंदी पई सी, लेकिन यह कि मैं थोड़े नाल जिहड़ी गल कीती है ये अपने जाती ही तजर्बे की बिना पर गल की, तो उम्मीद करना कि मेरी ये गल मेरी ये वीडियो तुहानूं जरूर पसंद हो सी, अगर मेरी ये वीडियो तुहानूं पसंद आए मेरी इस वीडियो नूं तुसीं लाइक कर दिव्या और कमेंट बॉक्स जाके अपनी राय का इजहार मेरे नाल जरूर करिया, और इंशाल्लाह आपां मिलदे हां किसी तरह की नवीं वीडियो दे विच, उदों तक अल्लाह।